एक घंटे में ट्रैली भर सके, ये एक घंटे में तो भरेगी और 5:25 पे भरे नहीं, 5:11 पे, इस तरह से लग गए थे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय महाराज, जय हो आपके। तो उसके 30 मिनट हो रही है सुबह के। ओम श्री राम। लौटे जी, बाहर निकालेंगे ट्रैक्टर, स्टार्ट करेंगे और भागेंगे। लो जी, दिल्ली टैक्स कट गया, दिल्ली में एंटर करें। पहुंचे हुए जी, जहाँ से लेबर उड़ाते हैं, कल वाली जगह पे लगेगा चक्कर, जहाँ पे 3,000 उतारी थी उसका पूरा ही चक्कर हो सकता है। अगर जगह बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आधी वैसे बोल तो मेरे को पूरी कर रखा है। अगर बात कुछ हुई कि भाई उन्हें बोला कि भी जगह जगह नहीं है, तो फिर स्टॉक स्टाक पे या फिर दूसरी साइड पे उतारनी पड़ेगी। चक्कर दूसरी जगह का था, उनके वहाँ ईंट लगी हुई थी वो पार्क के पास में, मैंने भी मना कर रखा था उसको भी, मैं भाई 12,000 उतरवाओगा तो मंगवा लीजिए, ना तो फिर हम नहीं मंगवाऊंगा, हम नहीं मंगा लेके नहीं आऊँगा चक्कर। ज़्यादा चिक चिक में भड़क में इतने में कौन, इतने कोई नहीं सुनता भाई आजकल किसी की भी, ठीक है ना। तो भाई तो उसके बाद में फिर अगर इसके यहाँ पूरी उतर गई तो ठीक है, नहीं तो अगर जगह कम हुई, अगर 3,000 इंटों में से इन्होंने कुछ उठा रखी होंगी तो फिर तो चांस है कि भाई सारी लग जाएगी, और नहीं तो फिर स्टॉक पे स्टॉक पे जाना पड़ेगा, साइड पे जाना पड़ेगा, और वहाँ के लिए कैंसिल प्रोग्राम हो जाता आज, चक्कर नहीं बनता, रुकना पड़ता वहाँ पे। तो फिर इन्होंने बिल्डर ने सोचा कि भाई 2 चक्कर टूट जाएंगे लगातार, और 15 को मैंने बोल ही रखा है भाई घर पे जाना है, जिसका अर्जेंट चक्कर हुआ आप उतरवा लेना, कभी फिर आप जाके फिर 15 के बाद में फिर फ़ोन करोगे, 15 को मेरे को बोलो कि भाई हाँ चक्कर भर के लेके आना है, मैं चक्कर नहीं भर के लेके आऊँगा भाई, मगर जिस दिन घर पे जाना है, ठीक है जी। ये धंधा काम धंधा अपनी जगह पर होता है, घर का सिस्टम भाई, शादीशुदा आदमी हूँ, 2 बच्चे हैं, वो घर का मैटर अलग है भाई, ये सिस्टम है जो आदमी का, ये सिस्टम अलग होता है, ठीक है ना। और अगर मैं ही घर के बारे में नहीं सोचूंगा तो भाई फिर मेरे कौन सोचेगा, ठीक है ना। तो भाई सारी चीज़ें ज़रूरी है, आदमी को अगर घर पे जा सकते हैं तो जाओ, अगर भाई बाहर अगर वैसे ही विदेश में जा रहे हो तो भाई वो बात अलग है, फिर भाई विदेश में जाना है तो भाई शादी करके मत जाना कभी भी, फिर फंसता है आदमी, नहीं तो मैं कभी का भाग जाता अमरीका शादी करके फंस गया। चलो भाई फिर भी सही है लाइफ यहाँ पे, अपने देश में कमाओ खाओ मौज करो वो भी सही है, और बाहर जाके कमा के लेके आना वो भी, चलो भाई कहीं ना कहीं सही है, पैसे कमाने बढ़िया तरीके से, अच्छी रोटी खानी, तो वो तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो देखते हैं, चाय पीने लग रहे हैं लेबर वाले, आ तो गए हैं वहाँ पर, चाय वाला है यहाँ से आधा किलोमीटर से भी आधा किलोमीटर और था पैदल इनका चलने का रास्ता, मैं कभी वहाँ आ जाइयो, कह रहे भैया हम चाय पीने लग गए, और मैं ये मेरे से पहले ही आ गए, चलो उतार दें जी, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं बताता होता हूँ ना, फुटपाथ पे भी सोते हैं लोग, देखो 2 भाई हैं और एक यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ पे गया, उठ के अभी है भाई, देख लो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया फुटपाथ से, कोई स्पोर्ट नहीं है, देखो ये मेरे पास में कोई स्पोर्ट नहीं है ना, साथ में दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं भी यहीं से घूम के आया हूँ यू टर्न लेके, और देख लो लाइफ का कितना, मतलब कुछ भी फर्क नहीं है जब तक उस परमात्मा की लीला अपरंपार है भाई, उनकी लीला, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो, और गाड़ी आते ही अपना काम करेगी गाड़ी, तो गाड़ी एकदम से अचानक से पैदल भागता हुआ आदमी भी नहीं रुकता, और गाड़ी तो भाई स्पीड में होती है कैसे रुक जाएगी, वही जिंदगी बड़ी रिस्की है। देखो अरे भाई आते ही बारिश शुरू हो गई, इंट लग रही है अभी तो आधी उठा रही थोड़ी बहुत, ले जी राम जी ज़्यादा बारिश कर दी तेज वाली, लगा के यहाँ पर लगाएंगे अंदर गड़ी में, खोल कर जूते रस्सी
लगे हुए हैं। राम जी तो बिल्कुल फास्ट ये उतरने लग ही गए, 10-15 मिनट वेट करके लग गए। अब बारिश बंद हुई है, 2000 बच्चे हैं यहाँ पे। अब अगले फ्लाइट पे चलेंगे या फिर फोन करके पूछता हूँ। गिन लेना पहले, 2, 4, 6, 8, 10 10 या 30 नीचे हैं, और 10 और 3 13 और 3 16 17 मैं गिन लूँगा, कोई बात ना। इसमें ईट देख ली कितनी, स्टॉक पर पहुँचे जी, स्टॉक पर लगा रहे हैं। श्री राम ना, कुछ ना छोड़ ना, एक मिनट रुक जा। कितनी बताई हमने गिन के, 2, 4, 6, 8, 10 की ऊंची तो ये है देख, सर थोड़ा झुकानी 12 है, 10, 10 चौका 40 होगी, समझ गया यार, ये 13 की है, ठीक है। ये इधर से बस ये कितनी मिनट थी इसमें, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 अरे इसमें 28, 32, 34, 36, 38, 40, 45 अच्छे बराबर थी, ठीक है। पूरी करो पहले कम्प्लीट, तुम्हारा मसंद जपता तुम्हारा सदा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कई दिन में फिटा है कि जा रहा है, घर घर जाया है ना, घर पे तो घूम आया, 10 दिन जाया है, 10 दिन जाया है, जब भाई तो घूम जाया है, 22 ने 24 को जाएंगे, 24 में फिरा लिया यहाँ, स्लीपर में गया फिर। अरे वेरी गुड, ले आ जी, 2 मिनट का काम रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें होगी, आज नीचे नहीं लगाई और लाइन बढ़ाई नहीं, 8वीं लगा दी। बारिश स्टार्ट हो गई है, हरियाली हरियाली जी, खाली हो गया, अभी भागेंगे भागेंगे, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गया तो एक और रही वारदात, अजी कमरे पर पहुंचे थे, खाना खा के ड्रेस चेंज करके फिर भागते हैं, ट्रैक्टर मैंने भारी खड़ा कर रखा है, अपने वाला दूसरा ट्रैक्टर भी अभी आया है, भट्ठे पे जरूर चलेंगे, वही बरियो चाहे ना बरियो भट्ठे पे जरूर चलना पड़ेगा, भागते हैं खड़े देख जुटे दोनों, अपने वाला यहाँ पे और दूसरा वहाँ पे, अंदर चिक्कड़ हो रहा नहीं तो गारा मिट्टी सारा दस जाना। पहुंचे हैं जी DL1, कोई भी इंट बाहर नहीं है, इसलिए कह रहा था कि भाई 9-10-11 हो सकती है बात, बारिश कंटिन्यू लगातार जारी है, देखो थोड़ी 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 थोड़ी, राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, राम संग, ओहो गिनते बहुत है बहुत है बहुत है, ये देखो कल तो मेरे ख्याल से निकासी हुई ही नहीं बाहर, आज तो कल तो हुई होगी, आज मेरे को लगता है कल भी नहीं हुई, कल जितनी निकल रही थी अपनी निकल रही थी उसमें से भर के आप ले गए, बाकी जो खत्म होगी वो उठने लग रही है बाहर से, बाकी जो बची है बस यही है। अद्धे चम्बर कटे हुए हैं,
कलर से डाउन लगे मेरे को। वैसे ही लग रहा है, ईंट तोड़ दी मैंने। ज्यादा जोर से पटक दी ना, सही है ईंट तो। एक बंद, दो बंद, दो दो बंद बचे हुए हैं, बहुत सारे ईंटे हैं ये मान लो। अगर ये सही तरीके से लगेंगे तो भरे जी, और नंबर अपना लग ही गया, कोई चक्कर ही नहीं। दूसरा नंबर है एक, पहला ही नंबर अपना है, अपना है। सारे ईंटे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जाम लग रहा था बहुत ज़्यादा, वहाँ से एक घंटा उस जाम में ही फंसा रहा। उसके बाद में फिर फ़ोन और पैसे हज लेके आया था मैं, वो सारे मैंने पोलथीन में डाल के अंदर रख दिए और फिर भागा, भीगता ही आया फिर तो मैं। और अब मेरे ख्याल से 12:30 हो रही है दोपहर की, चलते हैं सोएंगे जी थोड़ी बहुत देर, जितनी देर भी सोया जाए, बाकी फिर भरवा के भागेंगे फिर। अभी 5:11 हो गई, अब लगे हैं, बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आया काला मुंशी। अभी देख लो कितने रेड़े लगे हुए हैं, एक घंटे में ट्रैली भर सके, ये भी एक घंटे में तो भरेगी। और 5:25 पे भरे नहीं, 5:11 पे इस तरह से लग गए थे। इतने बंदे यार, दस दस ट्रैली भरते हैं भट्ठे पे, और इतने भट्ठा इस पे गदर है नहीं लेबर का, किसी भट्ठे पे भी लेबर का गदर है। हाँ, दस दस ट्रैली भर भट्ठे पे, दस दस सारे पे है। सही लग रही रस्सी, इनकम्प्लीट्स। भागते हैं जी, बाहर निकालते हैं, बारिश लगातार जारी है इसलिए बात नहीं कर पाया कुछ भी मैं। लड़ लग गया, रस्सी लग गई है, कंप्लीट हो गए सारे, चले गए देखो। सारे रेड़े चल रहे थे ट्रॉली भरने, चले फिर और रुक जा खाड़ी में है टायर, तेरे पे नहीं लकड़ूंगा, वो गोला तोड़ दे, रुक जा। चलते जी भागते बाहर निकाल के, खाड़ी में रुक जा। पूरे 8:30 जी पहुंचे हुए कमरे में, बारिश अभी दो चार बूंदे आ रही हैं, तभी से जा रही है, पूरा दिन हो गया। और जी पूरा प्लॉट देखो ऐसे ही है, तो पंप लगा के आए हूँ अपने वाला देखो। और जी जिस काम में भी आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी को भी फालतू पैसे देने का आपका कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ ठीक है, अगर बंदा फालतू पैसे लेके जाता है तो वो या तो फिर कहीं ना कहीं उसको याद करवाओ कि भाई ये पैसे अलग हैं तेरे रोज वाले काम से, या फिर रोज की जो हमारी आपसे पैसे दे रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, दिन के कितने भी दे रहे हो, वो पैसे अलग रखो। कभी भी लेबर वाले को, मैंने एक दो बार लेबर वाले के खाते में पैसे डाल दिए तो उसको लालच हो गया, वो तो रोज ऐसे ही करता था। अब मैंने उस दिन पूरा डांट फटकार दिया, मगर मेरे पास में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह मैं फ़ोन करूँगा उठा लियो, और उतरवानी हो तब भी हाँ कर दे, और नहीं उतरवानी है ना कर, हमारे पास में और आ जाएगा बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस दिन के बाद में उसने तंग नहीं करा कभी। अब परसों फिर मांग रहा था 3,000 रुपये, ठीक है जी। लेकिन जहाँ जिसका सिस्टम पैसे का लिखने वाला नहीं है, अब संतोष के पैसे मेरे लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, 1,000 रुपये मैं डेली नकद देता हूँ, या फिर अगर नगद नहीं देता तो खाते में डालता हूँ, ठीक है जी। अब लेकिन अगला बंदा आपके साथ में धोखा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो खाते में भी दे लो या फिर नगद फालतू भी पैसे दे लो, वो लालच करने लग जाता है फिर, ठीक है। हाँ वैसे मदद कर दो किसी भी तरीके से, आप उसको दुखी नहीं करो, या फिर जैसे मर्जी करो, आप तंग मत करो बस लेबर वाले को, या फिर किसी भी इंसान को दुखी मत करो। लेकिन हाँ कोई समस्या अगले बंदे को है तो आप पैसे
थोड़े बहुत उसकी मदद कर दो देके, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई लालच करने लग जाए। मेरे साथ में बहुत हैपेंस होते हैं, ऐसे हैपेंस बहुत हुए हैं मेरे साथ में, ठीक है जी। बहुत सारे पैसे ऐसे मेरे, बताया मैंने पहले भी, बहुत सारे पैसे ऐसे मेरे ब्रांच चले गए जो कहीं पर भी काम नहीं आए। अगर बंदा अगला फालतू ले गया तो ले गया, मैं फिर मतलब चलो पैसा है और आ जाएगा कोई बात नहीं। उसके चलते चलते फिर मैं बहुत सारे पैसे पीछे छोड़े आया लोगों के पास में कि भाई ऐसा नहीं होता। लेकिन जिन बंदों के साथ में मैंने काम करा है, उन बंदों के साथ में भी अगर हिसाब की बात से समझे, अगर जैसे कोई भी भाई है चाचे का, ताऊ का, या फिर कोई भी गांव का, गुहांड का, या फिर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से आप किसी के साथ में भी काम कर रहे हो, मैं अगले बंद मेरी सोच थी कि भाई तेरे को रखना है हिसाब, तू रख। मेरे को तो ये बताता रहा कि भाई पिछले दिन महीना हमने काम करा इकट्ठे, 15 दिन करा, मेरे को तो ये बताते रहना कि भाई हमारे को इतने पैसे बचे आधे करके दे दे। मेरी आदत है, घर वालों को भी पता है इस बात का कि भाई मैं जल्दी से ना तो किसी के साथ में हिसाब लेता ना देता। भाई ईमानदारी से काम करो, अगर चलो ठीक है चोरियाँ भी करी हैं लोगों ने मेरे साथ में, ठगियाँ भी करी हैं, तो मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि भाई तूने ये ऐसा करा, चल तू, पता लग गया मेरे को। लेकिन अगले बंदे को ये नहीं पता कि भाई इसको पता लग गया कि भाई तुमने इसके साथ में ठगी करी है। फिर मैं कहा चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, टाइम टाइम की बात है। लेकिन भगवान सभी को उनकी इच्छा के अनुसार और उनकी जो सच्चाई पर जो आदमी खड़ा रहता है उसकी कभी ना कभी परमात्मा तो उसको देगा ही ना। ऐसी तो बात नहीं कि भाई परमात्मा भी उससे रूट जाएगा, लेकिन जो ठगी करके गए हैं उनको भी पता लगता है ना कि बाद में हाँ भाई तूने गलत करा है। तो ये सारी चीज़ें इसी चीज़ के आधार पर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि भाई अपने जो सिस्टम है आपका वो रखो। किसी की मदद करनी है तो वो एक अलग सिस्टम है, उसमें ना तो कोई लालच, ना कोई पैसे फालतू देने का मतलब। किसी को समस्या आ ले भाई इतने दिन में ये पैसे मुझे बगैर ब्याज के बगैर सूद के दे देना, लेकिन मेरे दे देना, ये मत सोचना कि भाई आपको मिल गए और रख लिए। ऐसे हैपन्स बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे, मैं गिनवाना नहीं चाहता, नाम भी नहीं लेना चाहता, नाम तो चलो वही लेने नहीं होते, जो गया पैसा वो गया, जो आ जाए उसको संभाल लो, बस वही बढ़िया सिस्टम है सारा, ठीक है जी। पहुँचे हुए काम की बात, भाई जैसे भूल गया क्या कह रहा था नीचे चढ़ के बातें करते हैं, मैं बात भूल गया और फोन भी आ गया एक बार नीचे से, कोई काम आया। सबसे जरूरी बात बिजनेस की, सबसे जरूरी बात है जो भी आपको बिजनेस करना है, कुछ भी काम करना है, सबसे पहले आपके पास में या तो आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए लिखने की, काटने की, जोड़ने की, घटा की, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो और आपको काम की नॉलेज ज़्यादा है और आप काम कर रहे हो, तो भाई 12,000, 15,000, 20,000 का बंदा हो जो लेन देन आपका लिख सके लैपटॉप में, या फिर कॉपी पेन जो मुंशी बोलते हैं हमारे भट्टे में, तो मुंशी बोलते हैं उनको, तो जी सबसे पहले वो बंदा आपको हायर करना है, चाहे वो आपकी मतलब इनकम के हिसाब से आपका वो दो हिस्से ले रहा हो या फिर एक हिस्सा ले रहा हो, कोई भी हिस्सा ले रहा हो, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी बात ये करनी है। और अब आज बहुत सारे बंदे जैसे ऐसे होते हैं, पंखा बंद करना पड़ेगा, आवाज़ आती है फिर बहुत ज़्यादा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि भाई कोई भी बंदा आप हायर करो, लिखा पढ़ा होना चाहिए, कितने भी पैसे आप तनख्वाह दो, और वो आपका लेन देन आपको बताएगा कि भाई ऐसे होता है और ऐसे लिखा जाता है, जो अमाउंटेंट बोलते हैं उनको, हमारे यहाँ भी चलो वो बात नहीं बताता, ठीक है जी। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस बंदे की, लेकिन हायर मैं नहीं कर सकता बजट के हिसाब से, मैंने कल परसों भी बताया। तो आपको ये बंदा बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, कहीं पर भी किसी भी तरीके से हो, ठीक है जी। दिल्ली में हमारे बिल्डर के, चलो नाम लेता, बिल्डर के यहाँ हैपेंस हो रहे थे और पैसे घट रहे थे या फिर बट रहे थे, तो उन्होंने एक अमाउंटेंट हायर किया, उन्होंने बहुत सारा उनका सिस्टम ऐसा बना दिया, मतलब बहुत सारे पैसे इधर उधर जा रहे थे। फिर जब उन्होंने, लड़की थी वो बेचारी, कोई बहन थी अपनी, तो उसने जब सिस्टम को एक तरफ कर दिया ना, पूरे सिस्टम को एक तरफ कर दिया, बता दिया उनको कि भाई आपके पैसे बहुत सारे इधर से उधर हो रहे हैं और आपको तो नुकसान हो रहा है, कम से कम 20,000 से 30,000 रुपये महीना का फ़ायदा उनका कर दिया, और उनको समझाया कि भाई ऐसे होता है हिसाब,
और ऐसे आपके ये पैसे यहाँ से आएंगे, ये पैसे यहाँ लिखे जाएंगे, मतलब सारा A to Z सिस्टम उनको बता दिया। ये तो मैं कई दिन से बताना चाह रहा था आपको। और जो भी बिल्डर है, जो भी भाई काम कर रहा है, किसी भी तरीके का काम कर रहा है, भट्ठे का काम कर रहा है, तो उसके उनके पास में अमाउंटेंट एक ज़रूर होना चाहिए जो लैपटॉप वाला होता है, ठीक है जी। या फिर कोई घर का बंदा हो, अगर वो लैपटॉप जानता हो तो उसको भाई सारी चीज़ें, तनख्वाह कितनी भी हो भाई, तनख्वाह के हिसाब में वो आपको बहुत सारा फ़ायदा कर देगा। अब जैसे अगर 30,000 रुपये महीने का उनका फ़ायदा कर दिया होगा ना, अगर उनकी तनख्वाह 22,000 भी होगी तो 8,000 रुपये फिर भी हो गया, ठीक है जी। लेकिन वो आपको समझा जाएंगे, बता जाएंगे, फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उनकी जगह। या फिर आपकी जो आपके घर में कोई भी मेंबर हो उनको सिखा लो, या फिर आप खुद सीख लो, ये सारी चीज़ें आपको आपको भी नॉलेज हो जाएगी। फिर आप उनसे अमाउंटेंट से सीखने के बाद में आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, फिर अमाउंटेंट रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हाँ आप हायर कर सकते हो, आपके पास में अफोर्ड करने की ताकत है, तो आप कर सकते हो भाई। 12,000 से 15,000 रुपये ऐसे हमारे यहाँ जो दिल्ली से बाहर ऐसी तनख्वाह है, 12 से 15, 13, 14 और 18 तक बस, ज़्यादा से ज़्यादा NCR से, जो दिल्ली से और NCR से भी बाहर हमारे वाला इलाका, जो हमारे वाले लोग यहाँ से 50 साल आज भी पीछे हैं। ये लोग इंटेलिजेंट होने के कारण साथ में एक पॉपुलेशन एरिया है, पब्लिक एरिया है दिल्ली है। तो भाई दिल्ली तो देखो पब्लिक की वजह से पैसा भी होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, ठीक है जी। ये हमारे वहाँ कैपिटल डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो 50 साल पीछे इन लोगों से, क्योंकि यहाँ पे तो दिल्ली होने के कारण में मतलब डेवलपमेंट शुरू से ही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो वो लोग ना हमारे वाले जो हमारे वाले लोग हैं वहाँ पे, तो आज भी लोगों की तनख्वाह बहुत सारी कम है। मुंशी हो गया, मुनीम हो गया, आड़ती के यहाँ हो गया, या अमाउंटेंट हो गया, हमारे वहाँ तो 15, 13, 12 इतने हज़ार रुपये तनख्वाह है। यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, काम धंधे ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। इस जानकारी के लिए जिस भाई को अच्छी लगे तो बता देना भाई। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आपने अच्छी जानकारी दी, तो उसको थैंक यू भाई। तो जी कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगले वीडियो तक। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंग बली जी महाराज। उनका चला लेता हूँ, चलिए जी, थैंक यू जी, एंड तक देखने के लिए जी धन्यवाद।